साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है, मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017-2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को यह सबक दिया है, और यह सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया है।